196 तरारी विधानसभा के उपचुनाव की गिनती शुरू हो चुकी है और अभी फिलहाल हम आपको अपडेट से अवगत करा देते हैं कि अभी तक अनऑफिशियली अगर बात करें तो 4 राउंड की गिनती हो गई है और अगर ऑफिशियली बात करें तो पहले राउंड की गिनती का परिणाम घोषणा कर दिया गया है। हम अनऑफिशियली इस मामले में कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी अंदर अभी मतगणना केंद्र के अंदर गए हुए हैं, जो उनके समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा जो अपडेट्स दी जा रही है उसके मुताबिक 4 राउंड की गिनती हो गई है और 4 राउंड की गिनती में सबसे आगे जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर भाकपा माले के प्रत्याशी राजू यादव हैं, जबकि तीसरे नंबर पे जन सुराज की उम्मीदवार किरण सिंह है और इन्हीं लोगों के बीच में लड़ाई जो है तरारी विधानसभा का फाइट चल रहा है। नेक टू नेक अगर कहा जाए कि परस्पर लड़ाई जो है वो तीन ही लोगों में है, लेकिन इनमें सबसे आगे जो है वो अभी बीजेपी के प्रत्याशी जो है विशाल प्रशांत हैं और वही अभी चौथे राउंड की गिनती में आगे चल रहे हैं तरारी विधानसभा से। हालांकि आपको हम तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण मतगणना को लेकर पूरी तरह से जो पुलिसिया व्यवस्था है, सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पुख्ता किया गया है। खुद पल पल की मॉनिटरिंग जो है वो भोजपुर एसपी जो हैं मिस्टर राज वो कर रहे हैं और यहाँ के जो डीएम है तने सुल्तानिया वो भी लगातार मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं और हर पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। सारे अधिकारी पदाधिकारी जो हैं वो मतगणना केंद्र पर पहुँच चुके हैं और फिलहाल जो रुझान तरारी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर है वो यही है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विशाल प्रशांत वो चौथे राउंड की गिनती में सबसे आगे चल रहे हैं और अभी जब हमने बिहार तक के साथ विशाल प्रशांत से बात भी किया तो वो अपने जीत के प्रति थोड़े अस्वस्थ दिखे और काफ़ी उनके चेहरे पर खुशी भी थी, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि चौथे राउंड की गिनती में अभी विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं। अभी कई राउंड की और भी गिनती है और अभी ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि कौन आगे चल रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हालांकि अभी अगर पहला रुझान अगर कहा जाए कि चौथे रुझान के मुताबिक जो बीजेपी प्रत्याशी हैं विशाल प्रशांत वही सबसे आगे रह रहे हैं। हम आपको पल पल की हर रिपोर्ट से अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार तक।